हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में भी मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल लाया है और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन का। उसमें जिस सब टॉपिक के बारे में मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैं अपने डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँ कि जब किसी भी बॉडी को एक कंप्लीट सर्कल में अगर लूप का फॉर्मेशन करना है तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका टॉप पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। मतलब ये कि लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम रूट अंडर 5 GL की वेलोसिटी होनी चाहिए तभी ये बॉडी टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी, और मिड पॉइंट पे रूट अंडर 3 GL होनी चाहिए तभी ये मिड पॉइंट पे टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी। और टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपके पास रूट अंडर GL होनी चाहिए तभी ये एक कंप्लीट लूप मतलब कि सर्कल का फॉर्मेशन कर पाएगा। अगर इसको लोएस्ट पॉइंट पे रूट अंडर 5 GL की वेलोसिटी अगर आपने नहीं दी तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये एक लूप का फॉर्मेशन कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सवाल अब आपसे पूछता क्या है, सवाल आपसे ये पूछता है कि अगर यहां पे रूट अंडर 5 GL से आपने वेलोसिटी कम दी तो क्या ये लूप का फॉर्मेशन करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसका मतलब है कि लूप के फॉर्मेशन करने से पहले ही कहीं ना कहीं ये जाकर के लूज कर जाएगा। लूज करने का मतलब है कि स्लैक करेगा, स्लैक का मतलब है कि टेंशन इसका जीरो हो जाएगा, राइट? क्लियर? तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं टू द पॉइंट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इस तरह का सवाल अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए बच्चों, अगर ये सवाल आपसे बोलता है कि मान लीजिए कि आपने यहां से लोएस्ट पॉइंट से किसी बॉडी को एक वेलोसिटी प्रोवाइड की और वो वेलोसिटी कितनी आपने दी, रूट अंडर 3 GL या मान लेते हैं रूट अंडर 4 GL, व्हाटएवर कुछ भी, राइट? तो क्या ये टॉप पॉइंट पे पहुंच पाएगा? नहीं सर, ये नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे आपको चाहिए था कितना, रूट अंडर 5 GL, तभी ये टॉप पॉइंट पे पहुंच पाएगा। ये आपको कंडीशन पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। इसका मतलब है कि ये बॉडी कहीं ना कहीं बिफोर टॉप पॉइंट से जस्ट बिफोर कहीं ना कहीं ये बॉडी आपके पास, ये बॉडी कहीं पे पहुंचेगी। ये इस पॉइंट से बॉटम से टॉप से पहुंचने से पहले ये कहीं ना कहीं जाकर के ये आपके पास क्या करेगा, लूज कर जाएगा। आर यू ओके? क्लियर है? और ये कितनी वेलोसिटी से यहां पे मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी से। ये बताइए कि जिस, अब ये पूछता है कि जब ये आपके पास स्लैक करेगा, कौन स्लैक करेगा, टेंशन, टेंशन यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अब ये बताइए यहां से क्या बनाया इसने, एंगल। तो आपसे यही पूछेगा कि वहां पे कितना एंगल होगा, वो एंगल के बारे में बताइए जिस एंगल पे ये बॉडी क्या करेगी, लूज हो जाएगी। ऑफ कोर्स लूज होगी, क्योंकि इनको उतनी एनर्जी नहीं मतलब कि उतनी वेलोसिटी नहीं मिली जितनी इनको ऊपर जाने के लिए चाहिए थी। क्लियर है? तो जहां पे ये जाकर के लूज होगा, ये टेंशन लूज होगा मतलब कि ये स्लैक होगा, तो वहां पे कुछ एंगल बनाएगा। वो पूछेगा कि वहां पे जो एंगल बना उसकी वैल्यू क्या है। एवरीवन क्लियर? तो बच्चों, सबसे पहली बात जो मैं आपसे बात कर रहा हूं एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले ये कौन सा सर्कुलर मोशन था, पहले ये क्या था, एक सर्कुलर मोशन में जा रहा था, राइट? लेकिन जब ये स्लैक करेगा बच्चों, तो ये स्लैक करेगा तो इसका पाथ अब CM से, CM मतलब सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन से ये किस में बनेगा, PM में, मतलब कि CM बन गया PM, मतलब कि सर्कुलर मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में, राइट? और ये बताइए आप यहां पे इसका पाथ ऐसे होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये ऐसे यहां से ऐसे ये क्या करेगा, ये आपके पास स्लैक करेगा मतलब कि लूज करेगा। तो ये बताइए यहां से ये क्या करेगा, कुछ एंगल बनाएगा। अगर ये बताइए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये बताइए ये और ये मिलके 90 बना रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा बताओ यहां पे, थीटा। एवरीवन ओके है? तो हमारा मेन टास्क, सबसे पहला टास्क तुमसे क्या पूछेगा निकालने के लिए, कि वो एंगल बताओ जिस पॉइंट पे जाकर के जो बॉडी है वो क्या करेगी, लूज कर जाएगी। अरे ओके, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे जाकर के ये लूज की होगी, और जहां पे लूज की होगी उसने कुछ एंगल बनाया होगा। पहला काम आपसे क्या पूछेगा, वो एंगल के बारे में। दूसरा एक काम और पूछ सकता है, मैं एकदम टू द पॉइंट में आपसे बात कर रहा हूं, किसी भी तरह का सवाल हो बड़े आराम से आप बना लेंगे। प्लीज आप ध्यान से देखेंगे, एक तो थीटा आपके पास निकालेगा, और दूसरा पूछेगा
कि वो हाइट बताइए जिस हाइट पे जाकर ये क्या हो रहा है, स्लैक हो रहा है. आर यू ओके? तो पहला आपसे क्या पूछेगा, थीटा, और दूसरा आपसे क्या पूछेगा, हाइट. आर यू ओके एवरीवन? प्लीज ये बताओ कि अगर ये लेंथ एल है, मतलब कि रोप की लेंथ एल है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, एल. और ये बताओ बच्चों, अगर ये एल है, मेरी बात को बड़े प्यार से समझिएगा, अगर ये बच्चों ये एल है, तो ये बताओ कि यहां से ये तुम्हारे पास क्या होगा, ऑफ कोर्स एल कॉस थीटा होगा, राइट. तो बच्चों ये बताओ कि टोटल यहां से यहां तक जो इसकी हाइट कितनी होगी, एल प्लस एल कॉस थीटा. तो क्या लिख सकते हैं, एल प्लस एल कॉस थीटा. एल को अगर आपने कॉमन लिया तो क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस थीटा. हाँ ना? तो यहां से बॉटम से इस पॉइंट तक की हाइट आपने कितनी निकाली, एल वन प्लस कॉस थीटा. एवरीवन क्लियर? लेकिन अभी भी एक हाइट के बारे में और आपको निकालना है, क्योंकि आपको टोटल हाइट की बात पूछ रहा है कि जिस. तो ये बताइए कि जब ये पाथ इसका ऐसा प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो ये बताओ कि ये इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, राइट. अगर पाथ अगर पैराबोलिक है तो इसकी हाइट मैंने यहां से यहां तक कितनी मानी है, h. तो अब ये बताएं बच्चे आप जरा ध्यान से, तो अब इसकी टोटल हाइट आपके पास कितनी हमने निकालना है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखेंगे आप. ये टोटल हाइट होगी, कौन कौन होगी ये टोटल हाइट में, एक तो ये टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल एच बराबर, ध्यान देंगे आप, एल वन प्लस कॉस थीटा प्लस ये कितना है बच्चों यहां पे, एच. आर यू ओके एवरीवन? क्लियर? ये एच, और यहां से यहां तक की हाइट आपके पास कितनी है, एल वन प्लस कॉस थीटा. अब मेरी बात को ध्यान से देखेंगे आप, तो एच इज इक्वल टू एल वन प्लस कॉस थीटा प्लस, और एच जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात आप जब भी करते हैं, तो वहां पे जब भी आप h की बात करते हैं, तो हाइट आपके पास कितनी होती है, v नॉट का स्क्वायर या v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g. आर यू ओके एवरीवन? ये आपके पास इक्वेशन याद रहना चाहिए, किसके लिए, हाइट को फाइंड आउट करने के लिए. क्लियर? अब मैं आपसे एकदम स्टेप बाय स्टेप में आपसे बात कर रहा हूं, बड़े आराम से समझिएगा. ये बताइए जब भी बॉडी पी पॉइंट पे है, तो बच्चों एक आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट कहां लगा, सर डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना, थीटा. ये बताइए बच्चों इस डायरेक्शन में आपके पास कितना लग रहा है, mg cos थीटा. आर यू ओके? पाथ है सर्कुलर, तो क्या बच्चों आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक एक बात का ख्याल रखिएगा आप यहाँ पे, क्या आप लिख सकते हैं बच्चों, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l, क्योंकि mg cos थीटा कहां एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, व्हिच विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये बताइए कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं जी एल कॉस थीटा. यस एवरीवन क्लियर है? यहां से मैंने वी स्क्वायर बराबर कितना निकाल लिया, यहां पे जी एल कॉस थीटा. ओके एवरीवन? अब बच्चों ये सबसे पहली बात, हाइट निकालने से पहले, हाइट निकालने से पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एंगल निकालना. हमसे क्या पूछेगा कि कितने एंगल पे ये स्लैक हुआ था, स्लैक का मतलब कि लूज हुआ था. तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं, छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है. और देखिए सबसे ज्यादा हमें परेशानी जो आएगी वो एंगल निकालने में आएगी, राइट. तो एंगल निकालने के लिए मैं बहुत ही सेकंड में जो सबसे ज्यादा परेशान करेगा उसको सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी एंगल निकालना हो तो याद रखना बच्चों, ये एंगल निकालने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस थीटा बराबर n माइनस टू बाई थ्री. ये रिजल्ट आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में. सर अब आपसे ये बात आपके जहन में आ रही होगी, सर n क्या है, तो मेरी बात को अपने जहन में डालिएगा कि n क्या है. n जो लोएस्ट पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपने प्रोवाइड की थी वो है. तो यहां पे n की वैल्यू बच्चों कितनी है, सर n की वैल्यू यहां पे है 3. तो क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, cos थीटा बराबर n की जगह पे 3 माइनस 2 बाई 3. तो क्या बच्चों लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू कितना, जरा जल्दी बताओ यहां पे, cos थीटा इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं बोलिए यहां पे, 1 बाई 3. पहले ये बताइए, या हम यहां से थीटा की वैल्यू निकाल के बैठ गए cos इनवर्स 1 बाई 3. पहले ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है आपको, निकल गया आपका एंगल, सर हो गया. अब चेक कर लीजिएगा, आपके एससी वर्मा में ये सवाल है, आपके बीएम शर्मा में ये सवाल है, आप कहीं से उठाइएगा बना लीजिएगा cos थीटा बराबर 1 बाई 3, तो थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, राइट. तो पहला काम हमने कर लिया, और याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब हमारे लिए जरूरी क्या था, सर अब हमें जरूरी था हाइट, टोटल हाइट. आर यू ओके? ये हाइट की बात पूछे गई, ये दो चीज पूछता है. तो बच्चों कैसे निकालेंगे हाइट, h इज इक्वल टू l 1 प्लस cos थीटा, और बच्चों cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 3, राइट, प्लस
यहां पे कितना है बच्चों, जरा जल्दी बताएंगे आप यहां पे, वी स्क्वायर। बच्चों वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, वी स्क्वायर की वैल्यू थी कितनी, जरा ध्यान से देखेंगे आप, जीएल कॉस थीटा, जीएल कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू फिर मैंने कितना लिखा, 1/3। और साइन स्क्वायर थीटा, मेरी बात को फिर गौर कीजिएगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और बच्चों ये बताओ g से g ऑलरेडी कैंसिल आउट, तो h इज इक्वल टू तुम कितना लिख सकते हो बच्चों यहां पे, जरा जल्दी बताओ यहां पे, ये कितना हो गया आपके पास 4l/3, राइट, प्लस अब ये बताइए आप यहां पे कितना हो रहा है, यहां पे l 1 cos थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/3, कितना लिख सकते हैं 1/9/2। ओके एवरीवन, क्लियर है आपको, राइट, ओ सॉरी, और यहां पे 3 भी तो है, तो 3 2 कितना हम लिख सकते हैं आप यहां पे 6। ओके तो h बराबर आपके पास कितना आ रहा है 4l/3 प्लस, अब आपके पास कितना आ रहा है जरा जल्दी बताएंगे आप, यहां आप खुद देख ले यहां से, ये कितना है आपके पास l, और ये कितना आपके पास आ रहा है 8l बाई कितना हो रहा है 6 into 9, तो 2 4 से कटेगा और ये इतने से कटेगा, राइट। ओके एवरीवन, मैं यहां से मैं मिटा रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा जरा ध्यान से बच्चों, तो फाइनली आप देखेंगे कि h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4l/3 प्लस 4l/27। आप यहां से इसके एलसीएम को देखेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास कितना आएगा 27। आप एलसीएम करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आप यहां से क्या कर लेंगे, हाइट आपके पास आ जाएगी। मैंने बार बार क्या बताया आपको, ये हाइट आपका सेकेंडरी है, हाइट बाद में निकालेंगे, हाइट तो पूछेगा, लेकिन सबसे पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए, सर सबसे पहले हमें एंगल पता होना चाहिए, आपसे ये पूछेगा कि कितने एंगल पे ये जाकर के स्लैक होगा, तो एंगल निकालने के लिए आपके पास कितना होगा n-2/3। और याद रखना हाइट निकालने के लिए जो आपके पास जो जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्मूला है ये आपके पास, ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सवाल को, रिक्वेस्ट है मेरी, आप कोई भी बुक उठाएं और ट्राई करें, ना बने तो प्लीज कमेंट में आकर के आप बात करें मुझसे। अगर मैंने तुमसे सेम क्वेश्चन अगर कर दिया बच्चों, सेम चीज जरा ध्यान से देखना, अगर तुमसे क्वेश्चन कह देगा कि √7/2 ऑफ जीएल से बॉडी को मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, राइट है, तो जब आपने बॉडी को 7/2 जीएल से प्रोजेक्ट किया तो खुद बताओ तब एंगल क्या होगा, तो सर कुछ नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों, जरा मेरी बात को फिर समझिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों 7/2 - 2/3, तो cos थीटा इज इक्वल टू 7 - 4/6, तो cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना 3/6, यही कैंसिल, तो बच्चों cos थीटा बराबर 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू कितने के बराबर बच्चों यहां पे, मतलब कि थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई ना 60 डिग्री, इससे ये डायरेक्ट पता चला। आप किसी भी बुक को उठाएं, वो एक अलग, उसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी निकाला है और बहुत सारी चीजें की है, राइट ना, तो दो चीज याद रखिएगा, एक एंगल निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, और हाइट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, एल 1 cos θ + V0² sin²θ/2g, ये दोनों चीज को आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, आप दोनों चीज को याद रखेंगे और दोनों चीज आपसे डायरेक्ट पूछता है, आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे, कोई भी क्वेश्चन को आप इस तरह का उठाएंगे, किसी भी बुक से उठाएंगे, बड़े आराम से बन जाएगा। उम्मीद है कि जो मैंने चीजें आपको दी है, जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं, बहुत तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ अच्छी चीज मैं आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।